हाय फ्रेंड, मैं रेनू सिंह। आज मैं आपको चिकन ग्रेवी का रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो मैंने बाज़ार से ही चिकन को कटा के लिए आई हूँ। देखिए, साफ़ उफ करने के बाद इसमें मैं आप पहले इसमें थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च की पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, ये फिर मैं इसे मैरिनेट करने जा रही हूँ। ऐसे ही मैरिनेट करने के बाद आप 5 मिनट ऐसे ही आपको छोड़ देनी है। अब मैं आगे का प्रोसेस करने जा रही हूँ। आप ग्रेवी के लिए मसाला पीसने जा रही हूँ, ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इस सभी को मैं एक बार ही मिक्सी में ग्राइंड करने जा रही हूँ। ये मैंने मसाला पीस ली हूँ। अब मैं ये सारा मसाला को इस चिकन में डालने जा रही हूँ और डालने के बाद सभी को अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। बस अब मैं आगे का प्रोसेस करने जा रही हूँ। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ। ये मैंने तसली को गरम कर ली हूँ। अब इसमें सरसों तेल डाल के पूरा इस तेल को गरम करना है, थोड़ा हाई फ्लेवर में। ये तेल पूरा गरम हो जाने के बाद गैस को मैं पहले कम कर दे रही हूँ। उसके बाद ये रहा आपका इलायची, जीरा और लौंग, ये तेज़पत्ता, सबको एक ही साथ में डाल रही हूँ। उसके बाद प्याज कटी हुई है, प्याज को मैं डाल रही हूँ। अब इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद वो जो मैंने चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखी हूँ, मैं इसे डालूँगी। ये देखिए, आपका प्याज फ्राई हो चुका है। अब उसके बाद जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, अब मैं इसे डाल रही हूँ। डालने के बाद गैस को कम करके अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है या भूनना है, जो भी। ये देखिए, अब इसे मैं ढक के रख के आस्ते आस्ते करके इसे पकाना है तेज। ये देखिए, हल्की आंच में मैंने 5 मिनट तक चिकन को भूजी हूँ और इसे 5 मिनट कम से कम और 5 मिनट और फ्राई, इसे अच्छी तरह मसाला को भूनना है कि ताकि इसमें मसाला का कच्चापन नहीं रहे। ये देखिए, और 5 मिनट के लिए इसे हल्की आंचों पर करनी पकानी है। ये 5 मिनट के बाद मैं फिर खोल रही हूँ। देखिए, मसाला में साइड से पूरा तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं लास्ट क्या कर रही हूँ, ये गरम मसाला है, गरम मसाला में हल्का सा गरम सुसुम पानी को मिक्स करके इसमें डाल रही हूँ। ये बाकी का पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। कम से कम एक कटोरी पानी आप डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करके अब इसे 5 मिनट के लिए, अब बस। ये देखिए, चिकन 10 मिनट रखने के बाद देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखिए, ये आपका चिकन तैयार हो गई है। ये आप चिकन आप चावल के साथ भी खा सकते हैं
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।